हे गाइस नमस्ते, जय हिंद। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और ये वीकेंड बहुत अच्छा रहा होगा आपका। आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किए होंगे। तो जैसा कि आपको बता चुका हूं कि हर सैटरडे को आपको फिन निफ्टी का व्यू मिलेगा, तो उस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि इस बार फिन निफ्टी में क्या हुआ था और आगे क्या होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये डेली का टाइम फ्रेम है और डेली के टाइम फ्रेम में मैंने इसको काउंट किया हूं, तो एक टॉप लिया हूं, इस टॉप का WXY और ये जेड। तो इसका मतलब है WXY XZ का मतलब हुआ ये ट्रिपल करेक्शन है। तो ट्रिपल करेक्शन के बाद जो प्राइस जो है आप देखोगे तो मैंने ट्रेंड लाइन अप्लाई किया हुआ है और ये येलो कलर के ट्रेंड लाइन है और ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट से पहले ध्यान रखना है कि जहां पर ये एफ फिनिश हुआ है, अब हमारे पास दो ऑप्शन ये है कि या तो हम इसको जीरो कंसीडर करें। अब इसको जीरो कंसीडर करने के लिए मतलब जीरो मींस ये आपका बेस पॉइंट होगा कि आगे का मूव का जो भी मूव होगा, जैसे ये मूव जो चल रहा है, तो ये अगर हम इसको जीरो कंसीडर करेंगे तो आगे की जितनी भी प्राइस होगा उसको 1, 2, 3, 4, 5 के नेचर में देना होगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये तभी पॉसिबल होगा जब ये प्राइस जो है आगे का मूव 100% को ब्रेक करता है और 127% जाता है। जब प्राइस 127% जाएगा तब आप इसको जीरो कंसिडर करोगे, राइट। अभी प्राइस जो है, अभी देखोगे तो प्राइस जो है आपका 50% के नियर अबाउट है। तो 50% के नियर अबाउट है, तो इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको जीरो ना कंसीडर करते हुए इसको एक कंसीडर करेंगे। अभी फिलहाल के लिए इसको एक कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब जो प्राइस का मूव जा रहा है आप देखोगे तो ये इसको ये वन मूव हो गया, इसको टू मूव हो गया, इसको थ्री मूव कंसीडर कर रहे हैं कि चलो ये हमारा 1, 2, 3 का मूव जा रहा है। तो अब हम इसको 1 कंसीडर कर रहे हैं, इसको 2 कंसीडर करें, इसको 3 कंसीडर करेंगे, लेकिन यहां पर हम रोकेंगे इसलिए क्योंकि हम इसको 1, 2, 3, 4 तब रखेंगे जब इसको हम 0 कंसीडर करेंगे। लेकिन हमने क्या रखा है, ए रखा हुआ है। तो जब हम यहां पर ए रखे हुए हैं तो आगे के जितने मूव होंगे उसको कंसीडर किया जाएगा एबीसी के नेचर से, ठीक है। तो एबीसी के नेचर से कंसीडर करेंगे तो यहां पर जो मूव बन रहा है अब हम इसको ए कंसीडर कर देंगे, ठीक है। अब जो मूव चल रहा है उसको ए, इसको बी और आगे का जो मूव चल रहा है वो सी के नेचर में जा रहा है। तो जो सी के नेचर में जा रहा है तो आने वाले टाइम पर ये जो बी बनेगा, मतलब ये ए बनेगा और जो ऊपर के साइड जो जा रहा है बी बनेगा। बी की पॉसिबिलिटी कहां तक जा सकता है, अभी देखोगे 100% तक है, ये ऊपर में 111% भी जा सकता है फ्लैट करेक्शन में, ठीक है ना। तो अभी ये 50% है। अब यहां पर ध्यान देना आप लोगों को ये है कि फ्लैट करेक्शन में अगर हम इसको ए कंसिडर करते हैं तो ये मिनिमम 61.8% तो जाएगा, जो 18,621 है ये जाएगा। अगर 61.8% ब्रेक कर देता है तो अगला डेस्टिनेशन बनेगा आपका 81.2% बनेगा। इसको ब्रेक करता है तो 100% भी जा सकता है। फिलहाल के लिए आपको बस 61.8% का टारगेट रखना है और मैक्सिमम आपको 81% का टारगेट रखना है। और इस टारगेट को रखने के लिए आपका जो सपोर्ट एरिया होना चाहिए, आप देखोगे तो यहां पर जो सपोर्ट आ रहा है वो कितना रहा है, 38.2% का, और यहीं पर प्राइस का ब्रेकआउट भी है। तो जहां से प्राइस का ब्रेकआउट होता है वही प्राइस क्या होता है टेक्निकल एनालिसिस में या फिर किसी और एनालिसिस में, वो सपोर्ट बन जाता है। हम यहां पर इसको क्लस्टर कंसिडर करेंगे। तो प्राइस अगर ऊपर की साइड जा रहा है 61% या 81%, तो हम 38.2% क्लस्टर कंसीडर कर रहे हैं। जब तक ये होल्ड किया हुआ है, जब तक प्राइस 38.2% को होल्ड करेगा, प्राइस कंटिन्यू अपसाइड में ही रहेगा। जब ये ब्रेक करेगा 38.2%, तब जाकर क्या होगा, ट्रेंड चेंज होगा। तो आप क्या करना है, अगर आपके पास पोजीशन है तो पोजीशन आप बनाए रखो। अगर आपके पास लॉन्ग है तो पोजीशन कंटिन्यू रखो, ठीक है। अगर रिवर्सल भी इन केस मिलता है तो 38.2% तक अगर वो ब्रेक नहीं करता है तो हो सकता है कि प्राइस यहीं से ही बाउंस बैक कर सकता है, 38.2% से ही बाउंस बैक कर सकता है, ठीक है। अगर कहीं पर अगर डेली के टाइम फ्रेम पर हो सकता है कि 61.5% पर या 81% पर बेयरिश कैंडल पैटर्न बनता है तो आप शॉर्ट भी कर सकते हो। किसके लिए, 38.2% के लिए, ठीक है। तो अभी प्राइस का ब्रेकआउट है, मतलब ब्रेकआउट जो है एक्चुअल ब्रेकआउट नहीं है, ये ध्यान रखना। एक्चुअल ब्रेकआउट और सॉरी रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट में डिफरेंस समझो कि अगर हम यहां से यहां तक कंसीडर करते हैं तो जितना टाइम पीरियड में ये टूटा है उतने ही टाइम फ्रेम में ब्रेक हुआ है। तो ये ज्यादातर जो ये ज्यादातर जो ब्रेकआउट होते हैं, जो फेक ब्रेकआउट जिसको हम कंसिडर करते हैं, वो बी में ही होता है,
ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको बी कंसीडर कर रहा हूं और आपको मैंने बता रहा हूं कि आप इसको 61% और 81% तक का मैक्सिमम डेस्टिनेशन लेके चले चलिए। और अगर आपको बेयरिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन होता है तो आप शॉर्ट भी इनिशिएट कर सकते हो, डेस्टिनेशन रखना 38.2% का। ये डेली टाइम फ्रेम का स्टडी था। अब हम इसको कंसिडर करेंगे 75 मिनट टाइम फ्रेम पर, कि 75 मिनट टाइम फ्रेम पर ये प्राइस जो है कैसे मूव कर रहा है। तो 75 मिनट का टाइम फ्रेम पर वही चीज मैंने कंसीडर किया हुआ है, एबीसी ही रीड किया हुआ है। अब देखो, अब एबीसी रीड किया, ये पूरे मूव को हमने ए रखा हुआ है, इसको बी रखा हुआ है, इसको सी रखा हुआ है। अभी जो प्राइस जो है कहां पर जाकर रुका हुआ है, 127% पर आकर रुका हुआ है, ठीक है। तो अब मंडे को या फिर नेक्स्ट वीक में प्राइस जो है ये ब्रेक करता है, मतलब 127% ब्रेक करता है, तो वही डेस्टिनेशन बन रहा है 61.8%। 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये 161.8% है और डेली के टाइम फ्रेम पर ये जो मूव है वो आपका 61.8% है, ठीक है। ये ध्यान रखना, वही डेस्टिनेशन है, वही मूव है सारा। तो अगर मान लो कि यहां से प्राइस जो है 61.8% से 61.8% के नियर अबाउट अगर कोई बेयरिश कैंडल पैटर्न बनता है तो आपको यहां पर शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हो, और जब शॉर्ट इनिशिएट करोगे तो डेस्टिनेशन क्या आएगा, ये क्लस्टर बनेगा। डेली के टाइम फ्रेम में वो डिस्ट क्लस्टर कहां आ रहा था, 38.2% पर आ रहा था, ठीक ना। और वही 75 अगर टाइम फ्रेम पर क्लस्टर कहां आ रहा है, 61.8% पर आ रहा है। तो अगर ये डाउन ट्रेंड में भी आता है तो आपका 17,995 मतलब 70,995 तक का ये डाउन ट्रेंड आ सकता है। अगर ये इसको होल्ड करता है तो हो सकता है कि यहीं से फिर से बाउंस बैक हो जाए, बाउंस कर जाए। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, जब तक ये क्लस्टर को होल्ड करता है, हम लोग आगे का बेयरिश मूव का कंसीडर, आगे का जो बेयरिश मूव रहा उसको हम अभी फिलहाल के लिए स्टॉप कर देंगे, और यहां से रिवर्सल करता है तो फिर से एक नया मूव हम लोग आने वाले टाइम पे देख सकते हैं। फिलहाल के लिए आपको क्या करना है फिर से समझ लो, कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि एबीसी कंसीडर करते हुए अभी प्राइस जो है सी जो है 161% तक जा सकता है। अगर यहां पर बेयरिश पैटर्न बनता तो सेल करना है और 61.8% तक का डेस्टिनेशन रखना है, और यहां पर बुलिश कैंडल पैटर्न बनेगा तो हम अगेन बाय करेंगे, अदरवाइज नहीं बाय करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अपना कमेंट देना, जैसा भी कुछ अपडेट होता है मैं आपको लाइव मार्केट में आकर इसको अपडेट दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो, आप इस पर अपने ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे और अपना प्यार देंगे, लाइक जरूर कीजिएगा और कोशिश कीजिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें करने का, क्योंकि मैं जितना मेहनत करता हूं आपको दिखता भी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।